तो गाइस टुडे इज द सेवंथ डे ऑफ दिस सीरीज और आज का जो वर्कआउट है वो है आपका चेस्ट और आपका बाइसेप्स का। जैसे कि कल मैंने बेसिक सीरीज में आपको बताया था आपका ट्राइसेप्स का और शोल्डर का वर्कआउट, ऐसे ही आज आपका टू बॉडी पार्ट है चेस्ट और बाइसेप्स। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे फ्लैट बेंच बारबेल प्रेस। तो आपको बता दूं दोस्तों इसकी जो प्रॉपर पोजिशन है वो आपको हमेशा क्रिएट करके चलनी है और हमेशा याद रखिएगा कि एंगल का और आपकी पोजीशन का ही पूरी एक्सरसाइज में फर्क होता है, बाकी और कोई फर्क नहीं होता। इट डजंट मैटर वेट हैवी है या लाइट है, बट आपको अपनी पोजीशन से करेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे एक रेपिटेशन आए चाहे दो रेपिटेशन आए, लेकिन आपकी पोजीशन एकदम करेक्ट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये आपकी ग्रिपिंग होगी, आप देख सकते हैं इस एंगल पे। ओके, सो नाउ अप दिस एंड वन, ठीक है, एंड नाउ टू फ्री। ओके, सो इस तरीके से आपको प्रॉपर ये एक्सरसाइज करनी है। सो गाइज इसकी जो रेपिटेशन बनेगी वो आपकी वही तीन सेट वाली बनेगी, 12 12। सो गाइज सेकेंड एक्सरसाइज हम करेंगे इंक्लाइन बारबेल प्रेस। और मैं आपको बता दोस्तों कि मैं खाली रॉड पर क्यों वेट ले रहा हूं, क्योंकि ये आपका बेस फिलअप करने के काम में आते हैं एक्सरसाइज। डंबल क्या करता है आपके साइज को और आपकी शेप को मेंटेन करता है, लेकिन अगर आपकी साइज ही नहीं होगा, आपका जो बेस ही नहीं होगा, तो साइज का और उसकी फिनिशिंग का क्या फायदा। तो सबसे पहले इसीलिए मैं आपको तीनों बेंच पर रॉड करके बता रहा हूं। आपकी फर्स्ट बेंच तो हो ही गई है और आपकी सेकंड बेंच आपकी इंक्लाइन है, तो इंक्लाइन पर भी पोजीशन को पूरा समझ लीजिए, ठीक है। मे भी आप लोगों को बहुत खूबी अच्छे से पता होगा, लेकिन फिर भी क्या है कि आप लोग कभी कभार भूल जाते हो। तो ये आपका जो इंक्लाइन बेस होगा यहां अप रहेगा इस यहां पर, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं रॉड, आप ज्यादातर क्या करते हो यहां लेते हो आगे की तरफ लाइक दिस, तो लोअर चेस्ट पे लेते हो, आपको लेना अपर, तो दिस, ठीक है। सो नाउ वन टू इस तरीके से थ्री। ओके, तो आपको ये रेपिटेशन वही सेम रखनी है 12 12। थर्ड एक्सरसाइज हम करेंगे डिक्लाइन बारबेल प्रेस। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें भी टू टाइप से आपकी डिक्लाइन बारबेल की जाती है। एक तो फिलहाल मैं आपको फर्स्ट बताता हूं, क्योंकि अगर मैंने सेकंड आपको बताई तो मे बी आप सेकंड अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे। तो फर्स्ट आपको मैं पहले बता देता हूं जो ऑलमोस्ट सभी को आती है, ठीक है। ग्रिपिंग का वही खेल है, जिनकी मीडियम हाइट है 5 feet 6 inch 8 inch और जिनकी 6 feet है वो पूरा आउट कर लेंगे, और जिनकी 5'8" है 5'7" है वो यहां रखेंगे आप ग्रिपिंग के लिए, ठीक है। सो ये आपकी नॉर्मली प्रेस रहेगी लोअर बेस की तरफ यहां पर, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वन, ठीक है, टू इस तरीके से। अब यहां गर्दन पे मत ले लीजिएगा, यहां पर आपका लोअर तो यहीं से कवर किया जाएगा यहां पर, ठीक है ना, तो लाइक इस तरीके से। ओके, सो इसकी जो रेपिटेशन बनेगी वही सेम है आपकी 12 12 15। ओके, सो गाइस फोर्थ एक्सरसाइज हम करेंगे आपकी टैग डेट फ्लाई, जिसको बोलते हैं आप बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई करने के लिए एक सिंपल सी बात है, अपनी पोजिशन और आपकी एक स्ट्रेंथ है वो उसमें दिखानी पड़ती है आपको, ठीक है। सो यहां पर आपका खेल सारा पोजीशन का ही होता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं ऑलमोस्ट। तो ये आपकी ग्रिपिंग है ऑलमोस्ट, और आपका ये हेड आपका पीछे रहेगा, कमर भी आपकी लगी रहेगी, नाउ दिस। ओके, और ये आपका जो बेस है वो अप रहेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। सो नाउ वन, ठीक है, टू थ्री। बहुत से लोगों के साथ गलतियां क्या होती है वो बता दूं आपको, कि वो हाथ बिल्कुल एकदम स्ट्रेट कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये स्ट्रेट हाथ ना करके ना ये इस तरीके से आएगा। अगर आप स्ट्रेट हाथ करते हो तो आपकी एल्बो पर प्रेशर आएगा, आपके फोर आर्म्स और जॉइंट्स के बीच में बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो आपको हल्के से बैंड रखने इस तरीके से हाथ, ठीक है। सो नाउ इस तरीके से चलना है, वन, ठीक है, टू। ध्यान रखिएगा इस चीज का जो मैंने आपको बताया है, तो उसकी वही सेम रेपिटेशन रहेगी एक ही वेट से, कंसिस्टेंट वेट से 12 12 15। तो गाइस अब हम अपना स्टार्ट करते हैं बाइसेप्स का वर्कआउट। तो बाइसेप्स की पहली एक्सरसाइज होगी आपकी स्टैंडिंग अल्टरनेटिंग हैमर कर्ल। तो आपको प्रॉपर इस तरीके से चलना है लाइक वन टू। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसमें जब ये हाथ अप रहेगा और ये नीचे जा रहा होगा तो आपको यहां से उठाना स्टार्ट करना लाइक दिस इस तरीके से, जिससे कि दोनों साइड आपका प्रेशर बना रहे, ठीक है। इससे आपकी लॉन्ग हेड मसल्स और आपकी शॉर्ट मसल्स कंटिन्यू वर्किंग में रहेगी। तो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। तो उसकी जो रेपिटेशन बनेगी वो बनेगी 24 24, यानी कि ईच हैंड पर आपकी बनेगी
12 रेपिटेशन, तो 24 इस तरीके से हो जाए काउंट करोगे आप, एंड 30 रेपिटेशन, यानी कि 24 24 एंड 30, 12 12 15 15, ओके, तीन सेट इसके बनेंगे। सो गाइस सेकंड एक्सरसाइज हम करेंगे स्टैंडिंग बाइसेप्स रोप कर्ल। तो आपको ये पोजीशन प्रॉपर इस तरीके से बनानी है, ये आपकी रोप रहेगी और ये आपके थंब रहेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो नाउ अप लाइक दिस, सो नाउ 1 इस तरीके से, ठीक है, 2 लाइक दिस। ये हाथ जब नीचे जाते हैं मेरे तो यहां आकर एंगल एल्बो मेरी मुड़ी होती है, एकदम स्ट्रेट नहीं रहती, तो ये ऐसे रहती है, ठीक है। सो 1 2 इस तरीके से, उसकी जो रेपिटेशन बनाओगे आप वो 12 12 15 की बनेगी। दो साइड आपके 12 12 के हैं, एक तीसरा आपका 15 का है। सो गाइस लास्ट एक्सरसाइज हम करेंगे बाइसेप्स की, आपका कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी कर्ल, लेकिन अब यह है कंसंट्रेशन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन के लिए आपको वही सेम पोजीशन बनानी है जैसे मैंने आपको लास्ट बार बताई थी। तो ये आपकी पोजीशन रहेगी, हैंड आपका यहां रहेगा, एल्बो आपकी यहां रहेगी, ठीक है। सो ये आपकी कंसंट्रेशन है लाइक दिस, 1 ठीक है, 2 इस तरीके से प्रॉपर। बॉडी कहीं मूव नहीं होनी चाहिए, कहीं से कहीं तक, और आपका सिर्फ हैंड चलना चाहिए लाइक दिस, ठीक है, और आपकी फोकस आपका सामने रहना चाहिए। सो गाइज इसकी जो ईच हैंड पर रेपिटेशन बनाओगे वो आप बनाओगे 12, यानी कि 12 12 पहला सेट, फिर अगेन 12, फिर अगेन 12 दूसरा सेट, तीसरा सेट 15 15, तो थर्ड सेट आपका इस तरीके से कंप्लीट होगा। एंड होप यू गाइज कि आपको ये वीडियो काफी तक पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर आप दबा के कीजिएगा। आपके मन में अगर कोई सवाल है वीडियो से रिलेटेड, या आप कुछ पूछना चाहते हैं वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपना मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं वहां से रिप्लाई भी कर सकता हूं। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।